आइए फिर हम आपको दिखाते हैं सात निश्चय योजना की हकीकत। आइए हम दिखाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना कैसे साकार होता है। हम अभी महसी प्रखंड के भेलाही पंचायत में हैं और यह रास्ता है, और यह रास्ता एक बस्ती से गुजरता है और बस्ती को जोड़ता है। यह रास्ता से हम गुजरेंगे और हकीकत दिखाएंगे। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सात निश्चय योजना से हमने सड़क बनाई है, हमने गली नली बनाई, हमने ये किया, हमने वो किया, एक ढिंढोरा सा पीट देते हैं और जनसभा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? यह तस्वीर बता रहा है, यह तस्वीर दिखा रहा है कि आपको हकीकत क्या है और हकीकत से आप कितने दूर है। जब ऑफिस में बैठकर अगर पत्रकारिता की जाएगी तो कोई यह हकीकत दिखाने वाला नहीं रहेगा। हम जैसे रिपोर्टर हैं, हम जैसे पत्रकार हैं जो गली गली जाते हैं, शहर शहर जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। भेलाही पंचायत है। चाचा ये बताइए, इधर आइए। वार्ड नंबर कितना है ये? ये 15 है। ये क्या है? ये क्या है? ये आज 10 बरस पहले जो वर्तमान मुखिया है वो अपने योजना से रोड बनाए। आज रोड समिति दूसरी योजना 9 लाख को टेंडर करवाया, उन्हें रोक दिया। ये हमारा जमीन है, ये इस पर टेंडर वही वर्तमान मुखिया चला चुका। आज हम लोग कोई जाने आने में देखिए, आगे जाके चलिए कठिनाई देखिए, घर बांस का पुला बना कर हरिजन टपा है। ये दलित बस्ती है? दलित बस्ती है। कितना बस्ती है, इससे कैसे गुजरते हैं? इससे बांस के पुलिया दे के इतना पानी में कादों में जाते आते हैं। कहाँ बांस का पुलिया? किधर है वो? खाद दिया अभी, आइए। इधर से रास्ता है, देखिए यह रास्ता यूजेबल नहीं है, इस रास्ते पे लोग चल नहीं सकते हैं। अब यह रास्ता दिखाते हैं, इधर आइए, इधर आइए। लोग इस गली होकर जाता है, यह महा आंगन होकर जाता है। जब वोट की बात करते हैं, जब नेतागिरी की बात करते हैं, तो दलितों का हक और दलितों की हक की लड़ाई के लिए लोग वोट मांगते हैं कि हम दलितों को ये कर देंगे, हम दलितों को मकान दिला देंगे, हम दलितों के साथ ये करेंगे। लेकिन बस्ती देखिए किस तरह से है और दलितों की स्थिति देखिए क्या है। यह बिहार का सहरसा जिला है और महेशी प्रखंड है, और महेशी प्रखंड का यह भेलाही पंचायत है। और यहाँ पे देखिए स्थिति, देखिए सड़क का, और यहाँ पे इस तरह से पार किया जाता है। हम सड़क को पार कर गए हैं और देखिए यहाँ पे चचाल था, उधर सामने बस्ती है, सामने घर दिख रहा होगा, उधर भी घर दिख रहा होगा। इसकी कनेक्टिविटी क्या है, लोग कैसे गुजरेंगे? अभी हालांकि पानी कम गया है तो लोग कहीं ना कहीं पांव गीला करके गुजर जाते हैं, लेकिन जब पानी था तो यहाँ पे चचाल दिख रहा होगा, छोटा सा चचाल सा बना हुआ था और चचाल से लोग सफर करते थे। वहां से वहां तक चचाल था जिससे लोग कनेक्ट हो रहे थे, यहाँ से मेन जो भेलाही है वहां सड़क पे जा रहे थे। इधर तस्वीरों में देखिए, उस वक्त जिस वक्त हम तस्वीर को दिखा रहे थे उस वक्त उस कोने पे खड़े थे, और यहाँ पे आने के लिए हमको आंगन का इस्तेमाल करना पड़ा। आंगन में गए और आंगन होकर यहाँ पे आए हैं। रास्ता देखिए किस तरह से संकरा है, और यह रास्ता नहीं है, कहते हैं ना गड्ढे में सड़क है, यहाँ सड़क ही गड्ढे में है, यहाँ गड्ढा ही गड्ढा नजर आता है, और यह सड़क इसे कहा भी नहीं जा सकता। और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरों में दिखाइए कि तस्वीरें किस तरह से है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और यह सुशासन बाबू का सुशासन राज है और विकास है और पंचायत भेलाही। उधर देखिए चाचा वहां तक पहुंच गए कि देखिए पत्रकार साहब, क्योंकि इस जगह पे शायद पत्रकार आते नहीं होंगे जल्दी, जब से आज़ादी हुआ तब से यही हाल है, लोग इधर से जाते हैं क्योंकि दलित बस्ती है। कारण किसे मानते हैं, सड़क नहीं बना क्या कारण? कारण क्या है, जिसका जमीन है वो नहीं देता है, हम लोग पानी हिल के जाते हैं आते हैं। किसका जमीन है? मुखिया जी का है। मुखिया जी अपना जमीन नहीं दे रहे हैं? मुखिया जी की जमीन है। एक बार वो समिति पहले साल बना था, हाँ, उन्हें अपने योजना से इस पर मट्टी गिरवाया, हाँ, दोबारा में वो नहीं गिरवाया, एतवारा में मुखिया बना तो समिति यही भेलाही पंचायत का बोहरदेख है, उन्हें टेंडर पास किया, उन्हें मुखिया जी ने रोक दिया, हमारा जमीन है। हम लोग ने उससे मुखिया को कहे तो इस पर आप टेंडर चल आ चुके हैं, योजना पास है, हम लोग को तकलीफ है, रोड बनने दीजिए, बोला नहीं।